तो देखो दोस्तों, आपने सुना ही होगा, हर तरफ एक बात की चर्चा जो है अभी हो रही है वो है कि 2024 में आपको जो है अपना पैसा जो है वो बचा के रखना है। जी हाँ बिल्कुल, 2024 में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो कि बहुत डाउन होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर ये डाउनफॉल आता है, अगर आपने पैसा बचा लिया तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वो भी तो किसी ना किसी को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है और वो ऐसे ही पड़ा रहा, ठीक है, 2024 में ये डाउनफॉल आ भी गया और ये ऊपर भी चला गया, तो आपका ये पैसा कुछ डबल करने वाला है, करने वाला है, नहीं करने वाला? क्योंकि कोई ऐसे डबल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको सही जगह पे इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। अब बात करें तो आने वाले दिन में, आने वाले जो फ्यूचर है वो एक जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है इंडस्ट्रीज को जो है टारगेट कर रहे हैं। कौन सा एक इंडस्ट्रीज है, कौन सी, जो कि आने वाले 10 साल में बहुत बड़ा करने वाला है? जी हाँ बिल्कुल, कौन सा? रेलवे। जी हाँ बिल्कुल, आपको जो है पता लग ही गया होगा आइकन देख के, यहाँ पे थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं यहाँ पे रेलवे की बात करने वाला हूँ। आने वाले दिन में, जो आने वाले 10 साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के बहुत बड़े दिन होंगे। 10 साल नहीं तो कम से कम 20 साल भी पकड़ के गिन लो। तो अगर आपके पास पैसा है तो आपको धीरे धीरे करके क्या करना है, हर कैपिटल, आपकी कैपिटल का हर 10% जो आपको एक छोटी सी गिरावट पे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। जी बिल्कुल, इन्वेस्ट करो और जो है आप भूल जाओ, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो है आपको बहुत ही पैसा बना के देगा। ये बिल्कुल, वो बहुत ही मतलब अंधा पैसा बना के देगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक बजट में, ये बिल्कुल आप अगर देखोगे, इससे पहले वाला बजट, अभी का जो बजट गया वो, तो हर एक जो बजट में रेलवे के लिए कुछ ना कुछ जो है खास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ जो है उनके लिए अलग से जो है ट्रीट किया जा रहा है, अलग से सब कुछ जो है प्लान किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो दोस्तों, आपने एक ट्रेन का नाम सुना ही होगा जिसका नाम है वंदे भारत। जी हाँ बिल्कुल, हम यहाँ पे देख लोगे तो करंटली जो है 51 वंदे भारत जो है ट्रेन्स आर इन सर्विस है, ठीक है। अब यहाँ पे आने वाले दिन में ये लोग का फ्यूचर का कुछ प्लान है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, द इंडियन रेलवेज विजन एक्सटेंड टू बियॉन्ड बुलेट ट्रेन विद द प्लान्स टू ऑपरेशनलाइज 4500 वंदे भारत ट्रेन बाई 2047। जी हाँ बिल्कुल, द सेकेंड जनरेशन वंदे भारत ट्रेन बिगिन सर्विस इन सेप्टेम्बर 2020 एंड एज ऑफ जनवरी 2024 82 आर इन ऑपरेशन अक्रॉस द नेशन। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो 2024 है वो तो जनवरी 2024 तो चला गया, लेकिन अभी जो है 51 है, यहाँ पर प्रोजेक्ट था 82, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 कम हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 कम हुई है, ज़्यादा कम नहीं हुई है। अगर यहाँ पे देख लोगे तो ऑपरेशनलाइज यहाँ पे अगर 4500 है, तो यहाँ पे आप मानोगे तो मानोगे यहाँ पे 3000 3500 तक तो वंदे भारत पहुँच ही जाएगी। अब अगर यहाँ पे अगर बात करें आगे, तो यहाँ पे अपकमिंग जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि वंदे भारत जो है कैपेसिटी वाइज, हर एक चीज़ के वाइज, फैसिलिटी के वाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे मानी जा रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो वंदे भारत वुड भी, यहाँ पे देख सकते हो, 300 to 400 वंदे भारत ट्रेन इन वेरियस कन्फिग्रेशन, वन ऑफ विच वुड बी इंक्लूडिंग स्लीपर कार्स। जी हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे देखो तो प्रोजेक्टेड रहेगा, क्यों एक्सपेंसिव, वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लोगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन दैट ऑफर्स हाई स्पीड, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट ट्रैवल बिटवीन वेरियस सिटीज इन इंडिया। इट हैज टू कैटेगरीज ऑफ कोचेस, एग्जीक्यूटिव क्लास एंड चेयर कार, एंड द फेयर्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फास्ट माने जाने वाली, यहाँ पे आप देख सकते हो, राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट हैज अ टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वंदे भारत जो है वो राजधानी को भी छोड़ दिया है, यहाँ पे देख सकते हो राजधानी की टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आने वाले दिन में यहाँ पे सब लोग क्या प्रिफर करेंगे, वंदे भारत ट्रेन ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका अभी यहाँ पे देख सकते हो अबाउट टू 15 मिनट्स लेस टू ट्रैवल बिटवीन न्यू दिल्ली टू वाराणसी। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम जोन, स्पेसिफिक टाइम पीरियड और जर्नी के लिए बताया गया कि 15 मिनट आपको जो है कम ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो लॉन्ग रूट, अगर जब भी ये 3000 और 3500 तक वंदे भारत आ जाएगी, हम यहाँ पे देखोगे लॉन्ग रूट के लिए भी ट्रेन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो तब यहाँ पे जब लॉन्ग रूट्स के लिए अवेलेबल रह जाएगी, तब यहाँ पे आपको 15 मिनट्स नहीं उससे भी ज़्यादा जो है लेस देखने को मिलेगा। तो सब लोग क्या प्रीफर करेंगे, वंदे भारत ट्रेन ही प्रीफर करेंगे। और आने वाले दिन में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मार्च 2 को ये जो है यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे आप देख लो, इंडिया टू एक्सपोर्ट वंदे भारत ट्रेन सून, आवर 1000 अमृत भारत ट्रेन टू बी मेड इन कमिंग ईयर, सेज अश्विनी वैष्णव। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो रेलवे के जो मिनिस्टर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सो वैष्णव मेंशन दैट रेलवेज हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग वंदे भारत ट्रेन, ही एक्सप्रेस द ऑप्टिमिज्म दैट द नेशन कुड विटनेस इन इन इनोग्रल एक्सपोर्ट विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जी हाँ बिल्कुल, तो आने वाले दिन में आने वाले 5 साल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है देख सकते हो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज सेड दैट इंडिया विल मैन्युफैक्चरिंग एटलीस्ट 1000 न्यू जनरेशन अमृत भारत ट्रेन इन द फॉलोइंग ईयर्स। ही हाईलाइटेड द ऑन गोइंग एफर्ट्स टू डेवलप ट्रेन कैपेबल ऑपरेटिंग एट द स्पीड रीचिंग 250 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि वंदे भारत जो है 160 तक जा सकता है, और आने वाले दिन में यहाँ पे 250 का जो है यहाँ पे वो रीच करेंगे। कौन किसके साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो अमृत भारत ट्रेन के साथ। यहाँ पे जो एफर्ट्स दिए जा रहे हैं वो इंडिया के तरफ से वो बहुत ही जो है यहाँ पे काबिले तारीफ है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे जब भी कोई एक्सपोर्ट करेगा ना चीज़ें, तो यहाँ पे और उसका जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि हर एक स्टॉक अगर देख लो, यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, IRCTC, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे सारे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हो। आप सोच रहे हो भाई इतना क्यों बढ़ रहा है, लेकिन उनका फ्यूचर देखोगे आप 5-10 साल का, तो अभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्यों ये स्टॉक्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स, DII, SFI, सबको पता लग चुका होता है कि आने वाले दिन में यहीं पे पैसा बनेगा, उसके वजह से यहीं पे जो है पैसा जा रहा है। जी बिल्कुल, अब यहाँ पे देख लोगे तो IRFC वो सब इतना कितना पैसा बना चुके हैं सबके। और अगर आप देखोगे तो आने वाले दिन में ऐसे ही स्टॉक को जो है आपको नज़र पे रखना है, और पैसा तो बनता हुआ नज़र आ ही जाएगा। अब देख लीजिए यही स्टॉक अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो 264 रुपीज़ के आसपास जो आपको देखने को मिल रहा है। और वंदे भारत ट्रेन बनाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर यहाँ पे देख लोगे तो ये स्टॉक जो 2023 में यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे देख लो 32 रुपीज़ पे, और फिर अभी देखोगे तो आपको यहाँ पे 720% का जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले दिन में यहीं पे और आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। 5 साल का अगर आपके पास वेट करने का टाइम है, तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक पे जो है बहुत ही जो है नजरें गड़ा कर रखनी है। अगर आपके पास पैसा है अभी भी है, तो यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कोई स्टॉप लॉस रखना है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपको 215 का राउंड अराउंड आपको एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए, और यहाँ पे आपको और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। अगर आपका कैपिटल लॉस होगा तब भी यहाँ पे 240 तक होगा, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और डाउन जो है यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी देख सकते हो 229 को ये आगे बढ़ चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो 267, देखो 266, यहाँ पे देख लो 222 को यहाँ पे जो है लो करके, यहाँ पे देख लो इस लो को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन फिर वापस से उसी जो लो था उसके पहले का वो जो है अप कर उसके भी जो है हाई कर दिया है। अब यहाँ पे देख लो 266.90 जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये कभी भी पार हो सकता है। जी बिल्कुल,
मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो है नजर गड़ा के रखनी है। और यही स्टॉक नहीं, रेलवे विकास निगम ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो IRCTC, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IRFC, यहाँ पे आप जो है टीटागढ़ वैगन जो है वो भी स्टॉक आप देख सकते हो। आने वाले दिन में यही जो है वो फ्यूचर है, क्योंकि इंडिया जो है अभी जो है पहले क्या करता था, सारी चीजें जो रेलवे में बनती थी, रेलवे के लिए बनती थी, वो क्या करता था, इम्पोर्ट करता था। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मतलब पता लग जाएगा, रेलवे एम्स टू यूज ओनली मेड इन इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो इंडिया में बनेगा वही हम यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेलवे स्टॉक्स जो है इसीलिए जो है यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन चार कंपनी या फिर पांच कंपनियां ऐसी है जो कि आपको पैसा अंधा बना के दे चुकी है, वो भी हजारों परसेंट प्रॉफिट दे चुकी है और आपको आने वाले दिन में देगी। लेकिन टाइम लगेगा, ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे अगर वंदे भारत बनने में टाइम लग रहा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कौन बना रहा है वंदे भारत, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया रेल विकास निगम लिमिटेड वॉज द लोएस्ट बीडर फॉर द सप्लाई ऑफ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सप्लाई ऑफ ट्रेन सेट बाई 2029 एंड मेंटेनेंस ओवर अ 15 ईयर ऑफ पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हो तो 15 साल तक तो यहाँ पे RVNL के लिए क्या हो गया है, यहाँ पे पैक हो गया है मेंटेनेंस वगैरह के लिए। और आने वाले दिन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 120 करोड़ पर ट्रेन इट विल बी कॉस्ट। तो आपको ऐसे स्टॉक पर नजर रखनी है। यहाँ पे देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पे देख लो 6 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, मैक्स चार्ट देखोगे तो आपको ये स्टॉक ₹19 से शुरू हुआ था। यहाँ पे आप देख लो कितना लॉन्ग जो है यहाँ पे ये टाइम ऑफ पीरियड लिया उसने, यहाँ पे देख सकते हो 2019 से लेके यहाँ पे 2020 तक जो है टाइम पीरियड लिया, फिर जो है यहाँ पे बढ़ना शुरू कर दिया, फिर यहाँ पे पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो IRCTC को देख लो, IRCTC भी सेम यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे उसको भी डिफिकल्टी हुई स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे देख लो तो चलना शुरू किया है। और आप भी जो है यहाँ पे आपके पास मौका है एंटर होने का। जी हाँ बिल्कुल, तो उसी तरीके से आपको कोई भी रेलवे स्टॉक पे जो है यहाँ पे रिसर्च करो, आने वाले दिन में इसी सेक्टर पे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। 10 साल 15 साल बहुत ही गोल्डन पीरियड रहने वाले है किसके लिए, रेलवेज के लिए। जी हाँ बिल्कुल, तो यही था। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कह रही है तो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो गाइड कर सके।